नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल पाव ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से, और आज बहुत दिनों से ये टॉपिक आने वाला था, लेकिन सोचा कि मतलब क्या आंसर दूँ इसका, और वन वर्ड का आंसर नहीं है, तो मैं कहा चलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। मेरी एक बहुत पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी एकेडमी का टूर करवाया था, दो तीन वीडियो बनाई है वैसे मैंने जिसमें एकेडमी के बारे में, बच्चों के बारे में मैंने बताया है। तो उससे मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप कितना अर्न करते हो, तो उसका आंसर वन वर्ड में देना कि हाँ ये एक फिगर है, ये अमाउंट है, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पूरी डिटेल वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप भी समझ पाओ और शायद इससे आप कुछ मोटिवेट हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, मतलब आपकी इनकम जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं रहती है। कभी ऐसा होता है कि अप चला जाता है, कई बार ऐसा होता है कि डाउन चला जाता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हो कि एक ही इनकम आपकी, एक ही फिगर में आपकी जो इनकम है वो पर मंथ आएगी। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, या होता है ना हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि आप सिर्फ आपको ज़रूरत है तब ये आप काम कर रहे हो, तो आप एक लंबे टाइम तक के लिए नहीं कर पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद अगर मेरे साथ नए जुड़े हैं तो ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम किस बारे में बात कर रही है, दीदी किस बारे में बात कर रहे हैं, जो भी आप मुझे बोलते हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरी एक अपनी एकेडमी है प्राची फाउंडेशन से, जहाँ पर KG 1 से लेकर क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनको कोचिंग दी जाती है। तो मतलब ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो मैं इसी बारे में बात करूँ कि रदर देन यूट्यूब, मुझे जो मेरी मेन इनकम का जो सोर्स है वो मेरी एकेडमी है प्राची फाउंडेशन है, और इसी के बारे में जो थे वो लोग मुझसे पूछना चाहते थे, तो मैं इसी के इनकम के बारे में बात करी, मैं यूट्यूब के इनकम के बारे में बात नहीं कर रही। तो मैं थी अपने इस टॉपिक पे कि अगर आप सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से काम करते हो इसमें कि मुझे ज़रूरत है तो मैं ये फील्ड चूज़ कर रही हूँ, तो ये आप लंबे टाइम तक के लिए नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रोफेशन में बहुत हार्ड वर्क होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इसमें बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन इसमें हार्ड वर्क के साथ साथ आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और आपको अगर अपने काम में मज़ा नहीं आएगा तो आप हर दिन काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये पढ़ाना अच्छा भी लगना चाहिए, तभी आप मतलब ट्यूशन ले सकते हो, तभी आप कोचिंग बच्चों के उनको करा सकते हो, ले सकते हो मतलब उनकी। अदरवाइज आपके लिए आप जोर शोर में स्टार्ट तो कर दोगे कि हाँ चलिए घर बैठे हैं तो चलिए, कई बार होता है ना हम घर पे बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि इनकम के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है चलो यार ट्यूशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लगता है या फिर देखने में लगता है, इतना आसान नहीं है। आपको हर दिन खुद भी पढ़ना पड़ता है, खुद भी एजुकेशन के साथ आपको अपडेट रहना पड़ता है, नए मैथड के साथ आपको टीच करवाना पड़ता है, और इसके अलावा हर बच्चों का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, तो उनकी जो कैप्चरिंग पावर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उनके साथ उनके तरीके से आपको कई बार चलना पड़ता है, तो जिसमें आपको नए नए तरीके जो है खुद भी सीखने पड़ते हैं। मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा खुद का पढ़ना मतलब स्टॉप हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको खुद भी अपनी स्टडी पे एवरीडे फोकस करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत है, स्मार्ट वर्क इसमें भी है बाकी काम की तरह, लेकिन आपको खुद को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी इनकम की। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि अगर आप 10 बच्चे भी पढ़ाते हो पूरे साल भर में, अगर आप 10 बच्चे भी पढ़ाते हो और आपका जो काम है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहता है, आपके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है कि नहीं आप उनके बच्चों की आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, तो ये सोचिए आप 10 बच्चे भी अगर लेते हो तो 10,000 पर मंथ आप इनकम कर सकते हो।
मैं बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट लेती हूँ, मेरा 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 जो काम है मैं जस्ट रिज़ल्ट ओरिएंटेड हूँ, मुझे रिज़ल्ट चाहिए होता है एनी हाउ। तो मेरे पास 130 to 145 इसके बीच, मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ 130 रहे, लेकिन कई बार लोग एडमिशन के नाम से भी लड़ने लग जाते कि क्यों नहीं लोगे आप, नहीं आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, आपको लेना चाहिए। उनको नहीं बता सकते कि भाई अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हम रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। तो कई बार लोगों के साथ लड़ाई सिर्फ इसी बात पे हो जाती है कि आप हमारे बच्चों को नहीं ले रहे हो, आप क्यों नहीं ले रहे हो, आप लीजिए, आप जितना बोलोगे हम उतना पे करने के लिए। अरे भाई यहाँ पर कोई सब्जी मार्केट थोड़ा भी है कि भाई आप यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास सिर्फ 130 स्टूडेंट रहे, लेकिन कई बार ज़्यादा हो जाते तो लेने भी पड़ जाते हैं, बहुत ज़िद्दी पेरेंट्स भी रहते हैं कई। तो मैंने 10 के हिसाब से आपको बता दिया था। तो अगर आप प्रोफेशनली इसमें आती हो, मैं प्रोफेशनली इस चीज़ से जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक सेलेक्टेड का जो दायरा है वो भी है। तो मिनिमम आप 50,000 और ऊपर आप कितने भी जा सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर है और आपके पैशन के ऊपर है। अगर आप मेहनत तरीके से करते हो तो आप इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी कर सकते हो, आपको यही फील्ड जो है कहीं से कहीं ले जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है, इस एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस के बलबूते पे बता रही हूँ, मैंने बहुत पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच है। अगर आप रेंटेड एक बिल्डिंग में पढ़ाते हो तो आपको उसका रेंट भी देना है, सिर्फ ये तो हुई अर्निंग की बात की, आप 50,000 पर मंथ से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक कमा सकते हो, इससे भी ऊपर जा सकते हो, प्रोफेशनल लोग और भी ऊपर जाते हैं, मैं तो सिर्फ एक मिनिमम एक फिगर बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर आप रेंटेड बिल्डिंग में पढ़ाते हो तो सोचिए आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, मेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो इसका रेंट कितना हो सकता है, आपको बिल्डिंग का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, मेंटेनेंस देखना है, समय समय पे आप इवेंट्स करवाते हो वो देखना है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं, वो सब देखना है। इसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि जो सोसाइटी आपको दे रही है ना, आपको उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, ये मैं आज से नहीं सोचती हूँ, मैं बहुत पहले से सोचती हूँ। तो इसीलिए हम स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी रखते हैं जिसमें 2-3 बच्चे, जितनी अपनी कैपेसिटी है, एक टीचर एजुकेशन के अलावा और क्या दान कर सकते हैं, एजुकेशन मुझे लगता है एक स्टूडेंट को उसके लिए मतलब उसको उसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हम स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चों को एजुकेशन देते हैं, यानी उनकी जो फीस होती है उसको जस्ट हम हाफ कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं भी पे कर पाते, तो हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट का पढ़ाने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं गरीब बच्चा है, गरीब को ज़रूरत भी होनी चाहिए, जिस चीज़ की आदमी को ज़रूरत ही नहीं है उसको आप दे रहे हो तो उसका मतलब भी क्या है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये भी हमारे साथ है। तो ऐसा है कि ये फील्ड अगर आप चूज़ करते हो कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो देखिए आपको एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है, लेकिन ये यकीन मानिए अगर सिर्फ ज़रूरत के लिए कर रहे हो तो आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते हो, आपको इसमें मज़ा भी आना चाहिए तभी आप इसमें लंबे समय तक रह सकते हो। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप मोटिवेट हुए होंगे। और आपका जो क्वेश्चन था कि मैम आप इस प्रोफेशन से कितना कमाते हो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।